कन्नौज की प्रसिद्ध और प्राचीन दरगाह हजरत हाजी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की इस्तमाई में मौजूद हूँ और यहाँ पर 830वां सालाना उर्स होने जा रहा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बता दें कि इससे पहले उर्स में कोरोना की वजह से सारे प्रोटोकॉल के तहत ये उर्स बड़ी धूमधाम से नहीं हो पाया था। इस बार ये उर्स काफ़ी धूमधाम से होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दरगाह के खादिम समाई रजा आफाकी साहब, हम उनसे बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि ये उर्स किस तरह मनाया जाता है और इस उर्स की क्या खूबियाँ हैं, किस लिए उर्स मनाया जाता है यहाँ पर है। आपका ABC में बहुत बहुत स्वागत है। ये उर्स है 830वां उर्स, किस लिए मनाया जाता है और क्या है यहाँ पर जो मैं चीज़ बताइए। ये हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ जमदरी रहमतुल्लाह अलैह, सरकार ख्वाजा उस्मान हारून के पीर मुर्शिद और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के दादा मुर्शिद हैं। आपका उर्स मुबारक। इस बार जो है 830वां उर्स है और हर साल ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ हमारे यहाँ हर तरह के लोग यहाँ आते हैं और कसीर तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और उर्स को मनाते हैं। लगभग उर्स में जो संख्या होती है लोगों की कितनी होती है? तादाद लगभग लाखों के हिसाब से होती है। रोज़ाना कसीर तादाद में लोग होते हैं, सारा ग्राउंड भर जाता है, रोड सब भरे रहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं सारी जगह भर जाती है, अक्सर लोग यहाँ रहते हैं, सब में भरा रहता है बिल्कुल। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियाँ की गई हैं इस बार? प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं सब मुकम्मल हो रही हैं लगभग। और रोड की जो दिक्कत थी, रोड की सबसे ज़्यादा समस्या हम लोगों की जो रोड की थी और उस रोड में चलना भी मुश्किल था पैदल भी, अब वो रोड बन गया है और ये इनके लिए शुक्रगुजार हैं हम उनके कि उन्होंने हमारे इस रोड को सही कर दिया। उर्स का आगाज़ है, ये कब से आगाज़ हो रहा है उर्स का और कब तक चलेगा ये उर्स? जो है 3 तारीख से शुरू होगा, यानी कि कल जुमे से शुरू होगा। सुबह फजर की नमाज़ के बाद कुरानखानी होती है, उसके बाद दुआ होती है और शाम को ईशा की नमाज़ के बाद जलसा ईद मिलादुन्नबी होता है, जहाँ सरकार हाजी शरीफ जमदरी रहमतुल्लाह अलैह का सीरत और आपकी खिदमत लोगों को बताई जाती है। यहाँ पर दूर दराज से कव्वाल भी आते हैं, इस बार भी कव्वाल आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, इस बार भी कव्वाल आ रहे हैं। 4 और 5 तारीख को कव्वालियाँ होती हैं, उसमें भी कसीर तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। एक मेला ग्राउंड बना हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर झूले लगे होते हैं तो लोग आते हैं, झूले का लुत्फ भी यहाँ पर उठाते हैं। हाँ, मेला लगता है, लोग हर तरह के आते हैं और अपना जिसका जैसा वो होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर लोग हमारे मज़ार पे और सरकार हाजी शरीफ की मोहब्बत में आते हैं और उनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं, अपने माथे को टेकते हैं और उनसे अपनी आरजुएं तमन्नाएं उनसे करते हैं और अल्लाह ताला उनको उनके सबके माता करते हैं। इस दरगाह पर अक्सर देखने को मिलता है जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होता है, तमाम हर सब धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, यही दरगाह नहीं, आप देख लीजिए कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में हर बुज़ुर्ग की बारगाह में यहाँ किसी के कोई बोर्ड नहीं रहा, जिससे लोग बोर्ड लगा देते हैं कि फला मज़हब का यहाँ नहीं आ सकता। ये सूफिया का दरबार ऐसा होता है जहाँ कोई बोर्ड नहीं लगाया जाता, बल्कि यहाँ किसी भी धर्म का किसी भी वक्त यहाँ आता है और हाजिर देते हैं। यही नहीं, आप अजमेर शरीफ चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, मुंबई चले जाएँ, जहाँ जहाँ बुजुर्ग गांधी के मज़ारात हैं, कोई बोर्ड नहीं कि यहाँ इस मज़हब को नहीं आ सकता, इस मज़हब को नहीं आ सकता, इस मज़हब का पानी नहीं पी सकता। यहाँ सबके लिए पानी दस्तयाब है और सबके लिए यहाँ हाजिरी के लिए लोग आते हैं। और हर मैं तो ये देखता हूँ कि यहाँ मुस्लिम लोग और हिंदू भी बहुत तादाद में लोग यहाँ आते हैं, लोगों का अकीदा रहता है, इसीलिए काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, मानते हैं लोग इनको, मैंने ये देखा अपनी आंखों से, इतनी अकीदत से लोग इनकी बारगाह में आते हैं कि लोग फील नहीं करते। तो गैर मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूँ, मुसलमान तो मानते ही हैं, उनके बुजुर्ग हैं, लेकिन गैर मुस्लिम भी आते हैं तो अपनी पीठ नहीं करते इनकी बारगाह में।